ख्वाजा अमीन अली मशूक रब्बानी शेर जात्रे नूर ईवत जात्रे दुड सूफियो चिश्तिया सिलसिला वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज का जो दिन है यहाँ पर ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला शेर खुदा मशूक रब्बानी की चौखंडी शरीफ है यहाँ पे है ना। आज यहाँ पे संदल मनाया जा रहा है और यहाँ पे काफ़ी मुरीदीन ख्वाजा साहब की चाहने वाले दूर दूर गांव से दूर दूर शहरों से आए हुए हैं ख्वाजा साहब का फैज पाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हिंदू मुसलमान हर कोई यहाँ पे ख्वाजा साहब का दीवाना है, दीवाना हो के उनके आज ज़ियारत करके और उनसे फैज पा के जाएंगे आज। और हम सब लोगों का शुक्रगुजार हैं कि आप सब लोग यहाँ पर आए ख्वाजा की ज़ियारत की और हमारी सब बिरादरी भी यहाँ पर मौजूद है और सब ने मिलकर आज ख्वाजा साहब का संदल मुबारक यहाँ पे खिदमत अंजाम किए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आपका नाम सर? मेरा नाम सैयद हुजूर अहमद हुसैनी। मैं उठा कर ले और जो है आप जो है सीधे रास्ते पर जो है लोगों के सामने रखा, तो ये जो चीज़ें हैं हजरत के पास आज भी गैर कौम के हो या हमारे लोग हो बिना झिझक आकर जो है ज़ियारत करते हैं और फैज़ आप जो है यहाँ से लेकर जाते हैं। हजरत की बहुत सी किताबें हैं, रुजुतुल वजूद यानी इंसान के वजूद के अंदर कौन से हिस्से कौन से मकामात का हैं और वो जो अल्लाह का अर्श कहाँ है, सात तबक ज़मीन कहाँ है। हजरत जो है बहुत सी किताबें लिख कर जो है लोगों को समझाया और दीन जो है दखन के अंदर बंदा नवाज जो है दीन को फैलाए, दीन इस्लाम को उसके वज़ीर बनकर ख्वाजा अमीनुद्दीन आला जो है दखन के अंदर जो है काम किया। इससे बढ़कर और क्या किया जा सकता है दीन इस्लाम के लिए? बहुत से लोगों के सामने बातें रख कर आप जो है इस दुनिया से रुखसत हो। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हम और आप जो है इस वक्त चौखंडी शरीफ सरकार सैयदना ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला की चौखंडी शरीफ है। ये चौखंडी शरीफ में आज से 359 साल पहले ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला सरकार की रूह को यहाँ से कब्ज़ किया गया था। आज सरकार के विसाल का दिन है
वो तारीख जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानी आज की वो तारीख है जो ख्वाजा अमीन सरकार ने अपने मज़ार पाक में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की थी, उसी सिलसिले में आज चौखंडी शरीफ का उर्स मुबारक है। और ख़ास कर इस उर्स मुबारक की एक अहम बात यह है कि इस उर्स को हिंदू मुस्लिम हर मजहब का आदमी मिलकर इस संदल पाक को अदा करते हैं। और मेरे ख्वाजा का ये बहुत बड़ा एहसान अजीम है, उनकी चौकट पे आने वाला आज से 360 साल भी गुजर गए हैं, आज तक की तारीख में ख्वाजा अमीन सरकार की चौकट से कोई खाली नहीं गया। जो भी आया है ख्वाजा सरकार ने सबको अता किया है, सबको नवाजा है, सबको इतना दिया है। यहाँ से जाने के बाद वो बंदा मचल कर यही कहता है ये मेरी घर में रौनकें बरकतें जो भी हैं ये ख्वाजा अमीन सरकार की अता किया हुआ नियामत है। समझ रहे, ये वो दरबार है। इस दरबार में अल्हम्दुलिल्लाह हम और पूरे ख़ानदान अमीनिया के लोग मिलकर ये संदल शरीफ को किए कर रहे हैं और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे ख्वाजा सरकार के वसीले से ये हमारा जो प्यारा सा हिंदुस्तान है इस हिंदुस्तान में अमन व सुकून अता फरमाए, आपस में भाईचारा अता फरमाए, हम सबको ख्वाजा सरकार के नकुश पर यानि उनके नक्श कदम पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम अपने ख्वाजा सरकार के चाहने वालों को उर्स ख्वाजा अमीन सरकार की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಜಾತ್ರೆ ಇದು, ಇದು ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸೂಫಿ ಸರ್, ಸೂಫಿ ಸರ್ ಇದು ಏರಿಯಾ ಯಾವ ಬರ್ತದೆ ಸರ್? ಇದು ಖಾಜಾ ಮಿನ್ ಅಜಿಯಾಲ ಚೌಕುಂಡಿ ಶರೀಫ್ ಇದು. ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆತ್ಮ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ರು ತಪಶ್ಯಕ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಖಾಜಾ ಮಿನ್ ಅಜಿಯಾಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಗಂಧ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಇವತ್ತು 359 ಗಂಧ ಇದು. ಗಂಧ ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಖ್ವಾಜಾ ಅಮೀನ್ ಅಲಿಯಾಲದು ಸಜ್ಜಾದ ನಶೀನ್ ಸೈದ್ ಗೀಸುಗರ ಗಂಧನವಾದ ಇವರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮರು, ಇವ್ರ ಕೈಲಿಂದ ಗಂಧ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಗಂಧ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ತನಕ ಬರ್ತದೆ ಸರ್? ಇದು ಗಂಧ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಜಾಮ್ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಚೌಕುಂಡಿಯ ತರ ಇದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಮುತ್ತಂದಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಇದೆ, ಎರಡು ಗುಡಿ ಇವರಿಗೆ. ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೈಯದ್ ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಹುಸೇನಿ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಹುಸೇನಿ. ಆ ಜೊ ಹೇ ಖ್ವಾಜಾ ಅಮೀನುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಲಾ ಶೇರೆ ಖುದಾ ಮಾಶಿಕೆ ರಬ್ಬಾನಿ. ಯೇ ಬಿಜಾಪುರ್ ಕೆ ಜಿತ್ತನೇ ಭಿ ಔಲಿ ಅಲ್ಲಾ ಹೇ, ಇನ್ ಔಲಿ ಅಲ್ಲಾ ಮೇ ಸೇ मैं समझता हूँ ये बादशाह तसव्वुफ़ है, इल्म से लबरेज, रूहानियत शरीयत दोनों जो है, इल्म जो है इनके अंदर जो है फूट फूट कर भरा हुआ था. आपको जब भी लोग आपके पास आते तो 350 साल या 450 साल से लोग आपके दर से फैजाब होते चले जा रहे हैं. ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये वो शख्सियत है जो रामलिंग तालाब में जो है मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा करते थे. लोग जो है कहते थे कि ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन आप अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए नमाज पढ़ते थे. आपका कहना था ऐ अल्लाह बस तू है और मैं हूँ, मेरे और तेरे दरमियान कोई नहीं है. इस तरीके की नमाज पढ़ते थे. लोग जो है आप पर जो है तोहमत लगाने लगे तो आप जो है रामलिंग तालाब जो है बड़े जोरों पर था, मुसल्ला बिछाया, लोगों से कहा कि आओ मैं इमामत के लिए खड़ा होता हूं और मेरे पीछे जो है अकामत बोलकर जो है नमाज शुरू करें. लेकिन कसम खुदा की ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला की वो ताकत कि कोई जो है आपके पीछे अकामत देने के लिए तैयार नहीं हुआ. पस होकर लोग डर कर चले गए और आपने बसकून जो है रामलिंग तालाब पर नमाज पढ़े, पढ़ने के बाद जो है सलाम फिरे, फिर कर कहा
कि ऐ अल्लाह मेरी नमाज जाहिर हो गई, अब मेरा दुनिया में रहना बेकार है, ऐ अल्लाह मेरी रूह को कब्ज कर ले। तो ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला की रूह कब्ज हो गई, अंसर से परवाज से जो है आपकी रूह जो है ख़त्म हो गई। आप जो है वहीं आपकी रूह कब्ज हो जाने के बाद जो है ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला का जो है यहाँ गुंबद बनाया गया। आपको जो है आज जहाँ आपका मकाम है, गुंबद है, आपको जो है वहाँ दफनाया गया। और आज जिस दिन से आपको दफनाया गया है और जब आप हयात थे और हयाती में जो है लोगों को फैजाब करते थे, जब दुनिया से चले गए तो भी फैजाब होते चले जा रहे हैं, आज उनका सिलसिला जारी है कयामत तक। इंशाल्लाह कयामत तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा, उनकी औलादें होते रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलादों को जो है दीन का इल्म पढ़ाने और आलिम जाहिद फाजिल मुत्तकी परहेजगार बनने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। बस मैं इतना कहते हुए अपनी छोटी सी तकरीर खत्म करता हूँ। आखिर दमानबिलाग मेरा नाम शेख अल्ताफ हुसैन जुनैदी। मैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अल्हम्दुलिल्लाह के सरकार सैयदना ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला की बारगाह है, इसे चौखंडी शरीफ कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर मजहब के हर कौम के लोग आते हैं और ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला से मोहब्बत करते हैं, अकीदत के साथ आते हैं और नजर व नियाज पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला के ग़ुलाम हैं, हम लोगों को ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला की ग़ुलामी करने का शर्फ हासिल हुआ है। और जितने भी यहाँ पे आए हैं आप सबको मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आज ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला का उर्स है और हमें ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला का फैज़ान अता फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। आपका नाम? मेरा नाम सैयद हाफिज़ सैयद ताहिर हुसैन।